अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैन यू ऑल हेयर मी? यस सर। Okay, we were discussing about the topic of measurement. We have started the measurement, and I give you a homework that just go through any book or any you can go through any internet or Google. Just see about rules of the significant figures. तो सबने देखे थे rules of significant figures? जी सर। सो वी दे बेसिकली यू हैव मस्ट हैव सीन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट्स अबाउट टू थिंग्स। द वन इज एन एक्यूरेसी एंड वन इज precision. Audio, my audio is not proper. मेरी आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं सर, सही आ रही है। आ रही है सर, सही। दुर्दाना तो अच्छा, एक मिनट देख लो, मैं एक माइक लगा देता हूँ। जी दुर्दाना, इज इट क्लियर नाउ? क्या अभी भी लो आ रही है आपको? अच्छा भाई, व्हेन वी आर डूइंग अ मेजरमेंट, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर बहुत सारे देखते हैं। एंड देन वी आल्सो व्हेन डूइंग अ मेजरमेंट, there are two aspects we always want to see in that measurement. Then the one aspect is accuracy and the other aspect is precision. Okay, तो किसी भी मेजरमेंट में हमें दो फैक्ट चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है उस प्रिसिशन की एक्यूरेसी, और एक होती है प्रिसिशन। ठीक है, एक्यूरेसी क्या चीज होती है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एन एक्यूरेसी? सर ये एक्यूरेसी होती है, नो यस नो यस, थैंक यू थैंक यू। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, हुआ ये क्या हो रहा था भाई, ये कौन सी कॉमेडी हो रही थी? सबने एंजॉय की है कॉमेडी है भाई? अमान साहब, तो जी एनीवन हु कैन डिस्क्राइब व्हाट इज एक्यूरेसी? सर लीस्ट रेंज एंड हाईएस्ट रेंज हु कैन? लीस्ट रेंज, व्हाट आर यू सेइंग मैन, व्हाट इज लीस्ट रेंज हाईएस्ट रेंज? शट अप शट अप। सर एक मिनट, कोई और बंदा है, देखते हैं।
अच्छा जी, ये सारिम साहब है। सारिम साहब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? नहीं ये कोई और बंदा हो गया सर। एनीवेज तो एक्यूरेसी क्या होती है? आइरीन, दुर्दाना, पूरिया जी, सारिम, कैन यू डिफाइन व्हाट इज एक्यूरेसी? अच्छा लेट्स से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप एक मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? एक मैथ्स का आपने एक सम सॉल्व किया, अच्छा उसका ट्रू आंसर है, उसका टेक्स्ट बुक के जो पीछे आंसर है वो है 13, और दो स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया, स्टूडेंट ए ने और स्टूडेंट बी ने। स्टूडेंट ए ने इसका आंसर निकाला 12.5 और स्टूडेंट बी ने इसका आंसर निकाला 13.7। मुझे बताइए कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से ज्यादा बेहतर आंसर किस स्टूडेंट का है, ए का या बी का? ए का। ए का। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ज्यादा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट स्टूडेंट ए है स्टूडेंट बी से? स्टैंडर्ड से उसका आंसर सबसे करीब आया। बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से? ट्रू वैल्यू से इसका आंसर ज्यादा करीब है। इसी चीज को लेके हम किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है? दैट एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। आपकी मेजरमेंट उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, दैट डिफाइन्स इट्स एक्यूरेसी। कैन यू क्लोज डाउन, नोट डाउन इट्स डेफिनेशन? जी जनाब, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी मेजरमेंट उस ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, सही है? जैसे कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पी एंड स्टूडेंट क्यू, दोनों क्या मेजर कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं ग्रेविटी। दोनों क्या मेजर कर रहे हैं? बोथ स्टूडेंट्स आर मेजरिंग ग्रेविटी। ठीक है, द वन स्टूडेंट मेजर्ड द ग्रेविटी विच इज 8.99 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, and the second student measured the gravity that is 9.37 meters per second square. ठीक है, तो which student is more accurate, student P or student Q? जी बच्चों, which student is more accurate, P or Q? Q is more accurate. क्यों भाई, क्यों ज्यादा more accurate है? Close to the true value. And what is the true value of gravity? 9.8. बिल्कुल सही है, 9.81. ठीक है, तो it means if you want to check the accuracy of any measurement, you must know the true value. अगर आपको ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगी
तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं है? जी नहीं बता सकते। ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट यू मस्ट know the true value. ठीक है जी, तो आपको किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताने के लिए कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, आपको इसकी ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन टेल द एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट. इसको कॉपी कर लीजिए. इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज एक और बड़ी इम्पोर्टेंट, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है उसमें होने वाला सिस्टमैटिक एरर. जी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर? जी what is a systematic error? Ryan, Irene, Uriya, Iram, like zero error. Durdana, bilkul sahi hai. Zero errors is a systematic error, bilkul sahi hai. Maybe an error in the measuring equipment. Yes, it can also be an error in measuring instrument. ठीक है, but the basic definition of systematic error, the error which has constant magnitude and constant sign. Okay, sign जैसे के पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहे और उसकी साइन हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, तो ऐसे एरर को वी कंसिडर एज सिस्टमैटिक एरर. प्लीज नोट डाउन दीज डेफिनेशन, दीज डेफिनेशन कम्स इन योर एग्जाम, आपके पेपर में पूछी जाती है ये डेफिनेशंस आप लोगों से. ओके, नाउ दुर्दाना गेव द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड दैट्स द जीरो एरर. ठीक है, yes, zero error is an example of systematic error. Let's say you have a ammeter. This is the screen of ammeter.
This is an analog ammeter. नहीं मरियम, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन टाइम हमारा कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहा है द एरर विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी उसको हम कंसिडर करेंगे सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी, एमीटर की जो नीडल है इसको एक्चुअल में पॉइंट करना चाहिए जीरो पे, लेकिन लेट्स से दिस एमीटर इज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट, एमीटर अभी ऑफ है एंड द नीडल इज पॉइंटिंग एट वन, ओके ऑलरेडी, ओके। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरर इन दिस एमीटर, इस एमीटर में कितना एरर है, तो आप कहेंगे इस एमीटर में जीरो एरर है प्लस वन का, कितना जीरो है प्लस वन एम्पेयर का। अच्छा प्लस आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू जीरो से ज्यादा है और जीरो एरर को हमेशा फाइनल आंसर से वी सब्ट्रैक्टेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजिंग सेम एमीटर करंट इज मेजर्ड 4 amperes, what's the real value of current? इसी सेम एमीटर को लेके हमने 4 एम्पेयर का करंट मेजर किया है, मुझे बताइए कि रियल वैल्यू करंट की कितनी है? 3 एम्पेयर होगी। हम क्या करेंगे, 4 एम्पेयर में से माइनस कर देंगे 1 एम्पेयर। ठीक है, यानी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3 एम्पियर्स। ओके, इज दैट क्लियर? क्या ऐसा होगा कभी कि आपके पास ये जो 1 एम्पियर है आप कहें कि जी कभी मैं इसमें से 0.5 माइनस कर देता हूं, कभी 7.5 कर देता हूं? नो, आप हमेशा सही आंसर लाने के लिए 1 को ही माइनस करेंगे, यानी इस एरर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो ऐसा नहीं है कि कभी आप इसको माइनस करेंगे, कभी आप इसको प्लस करेंगे, नो, यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसकी साइन क्योंकि हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर साइन कौन सी कांस्टेंट रहेगी? जैसे कि ये प्लस वन है ना, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर एमीटर के लिए, ये नहीं है कि हम इसको कभी आयरीन इसको फाइनल रीडिंग में से प्लस कर रहे होंगे और कभी हम माइनस कर रहे होंगे। जैसे कि ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर होता है स्टॉपवॉच को ऑन करने या ऑफ करने का टाइम। ठीक है, उस दौरान में जो हमसे थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम स्टॉपवॉच को देर में ही दबाएं, ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कभी कभार कि हम एंजाइटी के अंदर स्टॉपवॉच को जल्दी प्रेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा फिर जो एरर होता है वो प्लस में आ जाता है, और अगर हम देर में दबाते हैं तो हमारा एरर माइनस में आता है, इसलिए वो एरर का साइन वेरी कर सकता है। लेकिन इस एरर का, सिस्टमैटिक एरर का साइन वेरी नहीं करेगा, जो है वही रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. जी मरियम बेटा, कोई सवाल पूछना है? वरिशा, रमीना? नो सर, सिमरन? नो सर। कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। जी,
कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इस एमीटर से रीडिंग 4 एम्पेयर आए और मैं ये रीडिंग बार 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 रिपीट करके बार 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 4 एम्पेयर लेके उसका एवरेज निकाल लूं, तो क्या हमारे पास ये जो जीरो एरर है ये खत्म हो जाएगा या फिर भी रहेगा? रहेगा रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब ये है कि क्या हम सिस्टमेटिक एरर को बार बार रीडिंग लेके और एवरेज निकाल के क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी क्या हम जीरो एरर को, सिस्टमेटिक एरर को मल्टीपल रीडिंग्स लेके और एवरेज निकाल के एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट एज वेल। ठीक है जी, सिस्टमैटिक एरर को हम लोग बहुत सारी रीडिंग्स लेके एलिमिनेट नहीं कर सकते या मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज नहीं होता, सिस्टमैटिक एरर एलिमिनेट होता है। और उसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि अगर हमें उसकी वजह पता चले कि ये सिस्टमैटिक एरर क्यों हो रहा है, अगर हमें उसकी वजह ही नहीं पता होगी कि ये सिस्टमैटिक एरर क्यों हो रहा है तो फिर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जैसे कि इस एम मीटर में हमें नजर आ गया कि इसमें जीरो एरर है तो हमने इसमें से इसको फाइनल में से आंसर में से माइनस करके एलिमिनेट कर दिया। अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं है तो फिर हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक एरर। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर। So do you all know what's a parallax error? Parallax error क्या चीज होती है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, क्या होता है parallax error? Sir जब हम reading बिल्कुल eye level से नहीं लेते या ऊपर या नीचे से लेते हैं। बिल्कुल सही है, अगर हमारा line of sight scale के 90 degree के ऊपर ना हो तो उस case में जो error होगा वो parallax error होगा। अच्छा, parallax error systematic error होगा या random error होगा? डिपेंड करता है कि आप पैरेलेक्स एरर को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पैरेलेक्स एरर को हमेशा एक सेम एंगल से करेंगे, बार बार सेम एंगल से आप गलत एंगल से आप रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे,
उस केस में उस पैरेलेक्स एरर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी साइन भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस केस में पैरेलेक्स एरर को भी क्या कंसीडर किया जा सकता है, सिस्टमैटिक एरर। देखिए सिस्टमैटिक एरर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमने डिफाइन की है कि ऐसा एरर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो और उसकी साइन हमेशा सेम हो, तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरेलेक्स एरर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, पैरेलेक्स एरर होता क्या है, कुछ लोग अगर सबको वैसे पता होगा पैरेलेक्स एरर क्या होता है। लेट्स से हमारे पास एक स्केल है, दिस इज अ रूलर, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रूलर, ये रूलर का कुछ हिस्सा हमारे पास मौजूद है। This ruler is working in centimeters. Obviously, the small lines between each of these 1, 2, 3, 4, 5 will represent a millimeter. ठीक है? ठीक है जी, तो ये हर एक स्मॉल लाइन जो है ये एक मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ पेंसिल, हमने एक पेंसिल ली और हम उस पेंसिल की लेंथ को जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है। तो हमने इस पेंसिल को इस रूलर के साथ ऐसे अटैच किया सामने, और हम इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी डिड, वी टुक फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहां से हमने ली, और फिर हमने सेकंड रीडिंग यू ली, ये, ठीक है। द इनिशियल रीडिंग वी टुक इज 0.7, ओके, 0.7 सेंटीमीटर, एंड द नेक्स्ट रीडिंग वी टुक इज 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस पेंसिल की लेंथ एक्चुअल में है कितनी जी, कितनी लेंथ है इस पेंसिल की, 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सो गए सारे, नहीं सर यहीं पर हैं। अच्छा, अब ये जो हमने रीडिंग निकाली है ये हमने अपनी आई इस तरीके से रखी थी, और ये डॉटेड लाइन हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी, और ये हमने इस तरीके से लाइन ऑफ साइट इस तरीके से रखते हुए दूसरी रीडिंग को भी निकाला, दिस डॉटेड लाइन इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी। अच्छा, एक आदमी लेट से उसकी हाइट, लेट से ये जो पेंसिल को मेजर कर रहा है ये थोड़ी सी ऊपर वाली जगह पे रखी हुई है इस तरीके से, और एक आदमी है लेट से उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, और ही इज ऑब्जर्विंग दिस पेंसिल, ठीक है, ये वाली रीडिंग तो चलो वो सही निकाल देता है यहाँ पे, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो वो यहाँ से ये रीडिंग देके ये वाली रीडिंग एक्यूरेटली 4.8 ही निकाल देता है, लेकिन इसकी हाइट छोटी होने की वजह से ये आदमी यहां से अपनी आई को यू रख के इस पेंसिल को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से इसको ये रीडिंग 0.7 की जगह क्या नजर आती है, 0.5 नजर आती है। तो ये जो 0.7 की वजह से इसको रीडिंग 0.5 नजर आ रही है, यानी 0.2 कम नजर आ रही है, ये एरर कौन सा कहलाएगा, दिस एरर इज नोन एज जी
पैरेलेक्स है, ठीक है, क्योंकि इस आदमी का लाइन ऑफ साइट का एंगल स्केल के साथ 90 डिग्री नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा है, इसलिए ये पैरेलेक्स एरर कर रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्केल जब भी आदमी देखेगा तो इसकी हाइट छोटी होने की वजह से ये पहली वाली रीडिंग हमेशा इसको 0.5 ही नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? इसी पोजीशन से देख रहा है, जैसे कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, एक आदमी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और आप साथ वाली सीट पे बैठ के आप स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे वहीं से, तो आपकी आई का एंगल स्पीडोमीटर से हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर आप सीट पे बैठे बैठे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, जो कि आपके स्पीडोमीटर बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आप एक आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप उसके साथ वाली सीट पे बैठे हुए, ठीक है, गाड़ी के अंदर एक एनालॉग मीटर लगा हुआ है स्पीडोमीटर, आप साइड वाली सीट पे बैठ के उस एनालॉग स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बताइए क्या आपकी लाइन ऑफ साइट उस स्पीडोमीटर के 90 डिग्री के ऊपर होगा या कुछ एंगल पे आएगा? एंगल पे होगा ना, 90 पे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत स्पीडोमीटर को देखते हुए एरर कर रहे होंगे, पैरेलेक्स एरर, या नहीं कर रहे होंगे? होगा। और क्या वो एंगल हमेशा सेम रहेगा अगर आप सीट पे बैठे बैठे ही उसको देखते रहे? जी क्या वो एंगल हमेशा सेम रहेगा? यस वो सेम रहेगा। उस केस में हम उस पैरेलेक्स एरर को क्या कह सकते हैं? उस केस में इस पैरेलेक्स एरर को हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलेक्स एरर कौन सा एरर बन जाएगा? सिस्टमैटिक एरर बन जाएगा। समझ में आई है बात? इफ अ रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑलवेज from same angle other than 90 degree, such parallax error will become a systematic error. जी ये पॉइंट समझ में आया? जी बच्चों, is that point clear? Yes, sir. Yes, sir. If a reading is observed always from different angles then parallax error will be random error, ठीक है जी। तो अगर हम लोग पैरेलेक्स एरर बार बार डिफरेंट एंगल से करेंगे तो वो रैंडम एरर बन जाएगा, सेम एंगल से करेंगे हमेशा तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? वो एक सिस्टमैटिक एरर बन जाएगा, ठीक है भाई जी। अच्छा अब इतनी सारी बातें हो गई सिस्टमैटिक एरर की और थोड़ी थोड़ी बातें हो गई रैंडम एरर के बारे में, अब आप मुझे बताइए कि क्या आप थोड़ा बहुत रैंडम एरर की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम एरर क्या होंगे? What can be the definition of random error? जी variable magnitude and variable sign. बिल्कुल सही है, ऐसा error जिसका magnitude भी change होता हुआ हो, variable magnitude हो, और ऐसा error जिसकी sign भी variable हो, उस error को हम क्या बोलेंगे? Random error बोलेंगे। Is that clear? Yes sir.
ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, विल टॉक अबाउट रैंडम एरर्स देन। जी कॉपी हो गया ये? जी सर। जी सर। जी बच्चों, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। ऐसा एरर जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो और जिसकी साइन भी वेरिएबल हो, उसको हम कंसिडर करते हैं रैंडम एरर के तौर पे। ठीक है, जैसे कि हम एक स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको ऑन ऑफ करते हुए थोड़ी सी देर कर देंगे तो हमारा रैंडम ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर हम उसको जल्दी ऑन कर देंगे तो वो आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और उसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.2 सेकंड्स। लेकिन हम इसके साथ क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम कभी स्टॉप वॉच को जल्दी भी स्टार्ट कर देते हैं और एंजाइटी में कभी हम स्टॉप वॉच को देर में भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर सर? अच्छा, ये 0.2 से ज्यादा भी हो सकता है, 0.2 से कम भी हो सकता है। मैंने एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर एवरेज वैल्यू बताई है मैंने उसकी। ठीक है, कॉपी हो गया ये? जी। अच्छा, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर एक रैंडम एरर है, क्या हम रैंडम एरर को टोटली अपनी मेजरमेंट्स में से एलिमिनेट कर सकते हैं या हम इनको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं? सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, रैंडम एरर्स बिल्कुल टोटली एलिमिनेट नहीं हो सकते, रैंडम एरर्स बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते, ये मिनिमाइज हो सकते हैं। और बाय द वे, मिनिमाइज करने का क्या तरीका होता है? बार बार करें। हाँ बिल्कुल सही है, टेकिंग मैनी रीडिंग्स एंड फाइंडिंग द एवरेज विल मिनिमाइज
the random errors, but not completely eliminate. ओके तो ये एरर मिनिमाइज तो हो जाता है लेकिन ये टोटल कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता. कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे कि हम कहीं पे रैंडम एरर्स को मल्टीपल रीडिंग्स लेके या मल्टीपल टाइम्स करके मिनिमाइज कर रहे होते हैं? वो सर फिजिक्स में क्वेश्चन आता है अक्सर साउंड के चैप्टर में. साउंड के चैप्टर में भी आता है. या देखो एक बड़ा कॉमनली हम ये भी पढ़ते थे कि एक पेंडुलम जो होता है ना, ये पेंडुलम की ऑसिलेशन होती है इस तरीके से. दिस इज वन ऑसिलेशन. तो याद है हमने ये पढ़ा है कि अगर हम एक ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे तो उसमें एरर काफी ज्यादा होता है. तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक की जगह 10 या 20 ऑसिलेशन का टाइम निकालते हैं और फिर उसको डिवाइडेड बाय 10 करके एक ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं. ये चीज पढ़ी है सबने? जी जी सर पढ़ी है ना ये चीज कि अगर हम एक की जगह कई ऑसिलेशंस का टाइम लें और उसके बाद उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर दें तो हमारे पास एरर की वैल्यू कम हो जाती है. जी यस सर 20 ऑसिलेशन ले लेते हम लोग. 20 ऑसिलेशंस ले लेते. अच्छा ये बताओ मुझे कैसे मिनिमाइज हो जाता है इसमें? जी आज तक हम ये पढ़ते हुए आए तो हैं कि हमारे पास 10 ऑसिलेशन या 20 ऑसिलेशंस करके अगर हम उससे टाइम ले लें तो उससे हमारे पास ये एरर मिनिमाइज होता है. लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये मिनिमाइज होता कैसे? जी लेट से हमने एक पेंडुलम को यहां से स्टार्ट किया, ये पेंडुलम यूं गया और यूं वापस आया, तो ये इसकी वन ऑसिलेशन कहलाएगी, है ना? जी बच्चों जी सर यस ये वन ऑसिलेशन हमारे पास कहलाएगी. मान लीजिए ये वन ऑसिलेशन हमने निकाली, इसका टाइम हमने निकाला t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड्स, ठीक है. लेकिन ये स्टॉपवॉच ऑन करने में और ऑफ करने में हमने टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर कितना किया होगा एवरेज? 0.4 का किया होगा. क्यों 0.4 का क्यों किया होगा हमने? क्योंकि सर शुरू और एंड में भी होगा. बिल्कुल सही है. स्टॉपवॉच स्टार्ट करने में और स्टॉपवॉच स्टॉप करने में दोनों जगह ये एरर हुआ होगा, है ना? और ये हमने निकाला वन ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है. इसके बरक्स हमने एक की बजाय 10 ऑसिलेशन का टाइम निकाला, ठीक है. हमने क्या किया कि हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम निकाला. अच्छा 10 ऑसिलेशन का टाइम हम निकालेंगे तो हम कितनी दफा स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे और कितनी दफा स्टॉपवॉच को ऑफ करेंगे? 20 टाइम्स. जी बच्चों जब हम 10 ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे तो स्टॉपवॉच कितनी दफा ऑन होगी? यहां से हमने पेंडुलम को छोड़ा, स्टॉपवॉच स्टार्ट हुई, ये पेंडुलम इधर गया वापस आया, हमने एक ऑसिलेशन काउंट की, फिर इधर गया फिर वापस आया, दूसरी ऑसिलेशन, तीसरी ऑसिलेशन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौ, दस. दसवीं ऑसिलेशन के बाद हमने अपनी स्टॉपवॉच को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. जी कितनी दफा स्टॉपवॉच ऑन हुई और कितनी दफा स्टॉपवॉच ऑफ हुई? एक दफा ही ऑन हुई और एक दफा ही ऑफ हुई. ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग हर बार वो ले रहे होते हैं, बीच बीच में बार बार रोक रहे होते हैं. हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को काउंट करते हैं, छोड़ने के बाद हम वापस पेंडुलम आते हैं, हम कहते हैं वन,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10th टाइम पे जब वो वापस आता है तो फिर हम अपनी स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। जी ये समझ में आई चीज? यस सर आ गया। अच्छा अब हमने इसका जो टाइम निकाला, मान लो हमारे पास कितना टाइम आया, लेट से द टाइम इज 12 पॉइंट, क्योंकि 10 ऑसिलेशन का टाइम है तो लेट से दिस टाइम इज 12.4 सेकंड्स हमारे पास आए। ये किस कितनी ऑसिलेशंस का टाइम आया? 10 ऑसिलेशन, ठीक है। इसके अंदर हमने एक दफा स्टॉप वॉच को ऑन किया और एक दफा स्टॉप वॉच को ऑफ किया तो इसमें हमारे पास कितना एरर आया? इसमें भी 0.4 का आया और इसमें भी 0.4 का आया, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन सी मेजरमेंट ज्यादा है, क्या पहली वाली मेजरमेंट ज्यादा अच्छी है या दूसरी वाली मेजरमेंट ज्यादा अच्छी है? हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कोई मेजरमेंट हमने कितनी अच्छी की है, ये जस्टिफिकेशन कैसे होगी? जी कोई मेजरमेंट कितनी अच्छी हुई है और कितनी बुरी हुई है ये चीज पता चलती है अगर हम उस मेजरमेंट की क्या निकालें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सवाल करूं कि एक दो टेस्ट लिए गए और उस टेस्ट में, पहले वाले टेस्ट में लड़कों ने 60 मार्क्स लिए और सेकंड टेस्ट जो हुआ उसमें लड़कियों ने 40 मार्क्स लिए, तो मुझे ये बताइए कि ज्यादा अच्छा टेस्ट किसने किया? जी दो क्लास टेस्ट हुए जिसमें बॉयज ने कितने मार्क्स लिए? 60 एवरेज, और गर्ल्स ने कितने लिए सेकंड टेस्ट में? 40। बताइए ज्यादा अच्छा टेस्ट लड़कों ने किया या लड़कियों ने किया? लड़कों ने किया। अच्छा जी, लेकिन लड़कों का टेस्ट था 100 मार्क्स का और लड़कियों का टेस्ट था 50 मार्क्स का। अब बताइए ज्यादा अच्छा किसने किया? लड़कियों ने। ये कैसे पता चला आपको? परसेंटेज निकालने से। बात समझ में आई? ये परसेंटेज निकालने से, लड़कों ने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए? 60%। लड़कियों ने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए? 90%। तो भाई किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू को देख के हम उसके डिसीजन नहीं ले सकते कि ये अच्छी हुई है या बुरी हुई है। हम किस तरीके से बताते हैं कि ये मेजरमेंट अच्छी हुई है या बुरी हुई है? हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। और किसी भी मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये होता है कि उसमें जो एरर होता है उसको हम उसकी वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो हमें उसकी क्या मिल जाती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाती है। जैसे कि पहली वाली रीडिंग में यहाँ पे हमारा एरर है 0.4 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे बताइए कि इस पहली वाली मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर आपके पास हुआ हुआ है या कितने परसेंट एरर के चांसेस हैं? तो ये कैलकुलेशन करके बताएगा जरा मुझे, 0.4 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जी 33.3। यानी इसका मतलब है कि आपने जो टाइम मेजर किया है रायान साहब 1.2 सेकंड्स का, उसमें 33% एरर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। अच्छा ये दूसरी वाली मेजरमेंट कैसे अच्छी है? देखिए अगर मैं इसका एरर निकालूं तो ये होगा
0.4 डिवाइडेड बाय 12.4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताइए क्या एरर आ रहा है, कितना आ रहा है एरर? जी 3.2। तो अब आपके पास ये बता रहा है कि आपकी मेजरमेंट जो कि 12.4 है उसमें तकरीबन 3.2% का एरर हो सकता है, मतलब आपकी वैल्यू 97% करेक्ट है, अब उसमें 3% एरर हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला आपको क्या बता रहा है कि आपकी वैल्यू सिर्फ कितनी परसेंट करेक्ट हो सकती है? 67। तो इसका मतलब ये है क्या, क्या मल्टीपल रीडिंग्स या ज्यादा लंबी रीडिंग्स लेने से क्या हमारे पास एरर परसेंटेज एरर कम हो जाता है या नहीं हो जाता है? जी 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 कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप पहली बार ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बार बार ड्राइविंग करें और लॉन्ग रूट्स के ऊपर ड्राइविंग करें तो आहिस्ता 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 ड्राइविंग के दौरान में आपके जो एरर्स हो रहे होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, मिनिमाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी मल्टीपल रीडिंग्स की वजह से आपकी मेजरमेंट बेहतर होनी शुरू हो जाती है या आपका ड्राइविंग जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ एक्चुअली इट्स डन। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, इसको कॉपी कर लें और बस आज की क्लास को हम फिर यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लें। सर हो गया जो लीव कर ले। जी बेटा, जिनका हो गया वो लीव कर ले, सबका ही कॉपी हो गया, मैं भी लीव कर रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।